तो गाइस आज के वीडियो में आपका स्वागत है। और आज अगर आप इस वीडियो को चालू किए हो तो उसका एक ही मतलब है, आप जानना चाहते हैं कि अवॉइड कैसे करें लॉसेस को ट्रेडिंग में, क्या क्या वेज है, क्या क्या मेथड्स है जिससे हम लोग लॉसेस को अवॉइड कर सके। प्रॉफिट्स जनरेट करना और लॉसेस को अवॉइड करना दो अलग अलग चीज है, बट दोनों का फिनिश प्रोडक्ट एक ही है, प्रॉफिट्स। ठीक है वही चीज है। तो आप लॉसेस कैसे अवॉइड कर सकते हैं, सबसे मेन चीज तो ट्रेडिंग में लॉसेस अवॉइड करना पूरा के पूरा आपका साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। अब साइकोलॉजी क्या होती है, बहुत लोग पूछेंगे इतना भारी वर्ड यूज किया, तो ठीक है साइकोलॉजी कुछ नहीं है, आपके दिमाग पे पूरा निर्भर है कि कैसे करोगे आप लॉस अवॉइड। ठीक है, अगर आप चाहोगे तो आप लॉस कैसे अवॉइड करेंगे कि आप चाहेंगे कि ठीक है मैंने सीखा, आप उसको लर्निंग के थ्रू लीजिए। ठीक है, आप एक सिंपल सा मैं वो दे रहा हूं, अगर आपको लॉस आ रहा है ठीक है, आपके पैसे जा रहे हैं ठीक है। अब एजुकेशन और ट्रेडिंग को मैं कंपेयर कर रहा हूं, एजुकेशन में आप पैसा देके ही पढ़ाई कर सकते हैं, है ना, पैसा दोगे पढ़ाई लो एक हाथ से। अब आप कैसे सोच सकते हैं कि ट्रेडिंग आपको फ्री में पूरा दे देगी कि ठीक है सिर्फ प्रॉफिट से जनरेट करो, आपको कुछ वो नहीं लेगी। आप उसको लीजिए एज ट्यूशन फीस, ठीक है, कि ट्रेडिंग आपसे ट्यूशन फीस ले रही है, स्टॉक मार्केट आपसे ट्यूशन फीस ले रही है समझने का, कि आप मार्केट को समझ पाओ उसके लिए ट्यूशन फीस है वो लॉसेस। ठीक है, ऐसे थोड़ा थोड़ा आपके माइंड को है ना ऐसे ऐसे वो कीजिए फॉर्म, कि ऐसे सोचे वो अच्छे से सोचे, ना कि उसको बुरी तरीके से हमेशा सोचने जाए। ठीक है, अब लॉसेस आ तो गए हैं बहुत सारे आपको, ठीक है, इसलिए आप वीडियो चालू किए हो। तो लॉसेस को हटाने के लिए आपको समझना है कि आप क्यों लॉस कर रहे हो। जैसे मैंने एक ट्रेड लिया, समझ लेते हैं एग्जांपल, कि मैंने एक ट्रेड लिया जिसमें मेरे को आ रहा था 1000 रुपए लॉस, बट मैं उस पर 100 रुपए प्रॉफिट लेके क्यों निकलना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये साइकोलॉजी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको लग रहा है तो हो मैंने इतना सारा लॉस देख लिया और मैं छोटे से प्रॉफिट में भी हटता हूँ तो मेरे को खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, अच्छी चीज है। तो वही चीज है कि आपको इतनी सी चीज में हमेशा नहीं होना है खुश, वही चीज है। आप हमेशा एक ट्रेडिंग सेटअप बनाइए अपना, ट्रेडिंग सेटअप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उस पर आप क्या क्या रखेंगे सबसे पहले वो समझते हैं। आप फर्स्ट चीज है कि आप अपना ट्रेडिंग सेटअप में रखेंगे आपका रेशियो क्या रहेगा ट्रेड करने का। रेशियो क्या होता है कि 1:2 का रेट है आपका, तो 1 अगर आप 100 रुपए का लॉस ले रहे हैं तो आपको 200 रुपए का प्रॉफिट भी लेना है उस ट्रेड पे। हाँ, कुछ कुछ सिचुएशंस होगी जहां पे आपको जल्दी बुक करना पड़ सकता है, बट मोस्टली टाइप आप यही करेंगे कि आप रखेंगे एक रेशियो और हमेशा उसको 1:1 मिनिमम है, उससे नीचे कभी नहीं होना चाहिए। कि आपने 100 रुपए का लॉस लिया और 70 रुपए का प्रॉफिट में हट रहे ना, तो मतलब ही नहीं है, आप क्या ट्रेड ले रहे हैं भाई। 100 रुपए का लॉस लेने के लिए तैयार थे बट फिर 70 रुपए का प्रॉफिट से देख के डर के हट गए मार्केट में से, वो नहीं करना है अपन को एकदम अच्छे तरीके से करना है सब कुछ। ठीक है, प्लान तो वही चीज है। फर्स्ट अपन समझ गए अपने को ट्रेडिंग सेटअप बनाना है रेशियो के थ्रू, मेन तो रेशियो होते हैं इसमें। और ट्रेडिंग सेटअप में और क्या चीज है, लॉसेस को कट करना सीखना है। ठीक है, लॉसेस को कट शॉर्ट कीजिए, प्रॉफिट्स को होल्ड लॉन्ग कीजिए। ठीक है, तो कैसे करते हैं लॉसेस को कट शॉर्ट, आपको लग रहा है आपकी पोजीशन, आपने लॉन्ग पोजीशन ली थी, उसमें लॉन्ग पोजीशन मतलब बाय पोजीशन, तो आप सोच रहे हैं लॉन्ग पोजीशन चलेगी बट मार्केट अचानक से पलट गया पूरा सेंटीमेंट, आपको पता चल गया है कि मार्केट पलट गया है, बट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट को कि ओ शायद मूव दे दे, शायद मूव दे दे, शायद मूव दे दे, कुछ मूव नहीं आएगा गाइस, पैसा जरूर चले जाएगा, लॉसेस ज्यादा लोगे आप। लॉसेस बुक करना सीख जाओ, टाइम लगेगा, ठीक है, ट्राई कीजिए, बार बार ट्राई कीजिए इसको कि मेरे को लॉस बुक करना है। ठीक है, आप पहली बार नहीं करेंगे, दूसरी बार नहीं करेंगे, तीसरी बार नहीं करेंगे, चौथी बार नहीं करेंगे, पांचवी बार जरूर लॉस बुक कर लेंगे, आप समझ जाएंगे ठीक है अब मेरे को नहीं करना है ज्यादा, तो लॉस बुक करना आप सीख जाएंगे उससे। तो मेन चीज ये हुई, लॉस बुक करना सीख गए ना तो बहुत चीजें सीख जाएंगे आप। आप लॉसेस को कट शॉर्ट करेंगे ना आपका ट्रेडिंग कैपिटल बचते जाएगा। ठीक है, और मेन चीज तो ये लॉसेस अगर आपको कट शॉर्ट करने ना, पहले सीखिए ट्रेडिंग के बारे में, नॉलेज लीजिए आप। ऐसे ही नहीं कि सीधा मार्केट में बहुत पैसा बनता है तो आप घुस गए, ऐसा नहीं होता है गाइस, वो बहुत एक्सपीरियंस लगता है, टाइम लगता है, टाइम टेकिंग चीज है मार्केट, कोई मजाक हलवा तो नहीं है कि आज चालू किया किसी ने कल जाके वो प्रॉफिट्स कमाने लग गया, ऐसा तो है ही नहीं। आप समझ लीजिए 1 ईयर दीजिए, 2 ईयर दीजिए, 3 ईयर दीजिए, आप एजुकेशन को 12 साल 15 साल दे सकते हैं क्या, ट्रेडिंग जैसी एक चीज जो समझने लायक स्किल है उसको क्या 1 साल में हो जाएगा आपका, नहीं गाइज ऐसा नहीं है। आप 5 साल दीजिए ट्रेडिंग को, फिर देखिए आप आपको प्रॉफिट्स कैसे नहीं आते, अगर आप सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, अपना ट्रेडिंग सेटअप फॉलो कर रहे हैं, आप अपनी साइकोलॉजी स्ट्रांग कर रहे हैं, तो देखना आपको पक्का प्रॉफिट्स आएगा। मैं खुद 3 साल से मार्केट में हूं और मैंने भी ये जाना है कि 1 साल में कुछ नहीं, मैं लॉस ही कमा रहा था, पहले साल पूरा लॉस किया हूं बस मेरे कैपिटल पे,
सेकेंड ईयर मैं लॉसेस को कम कर पाया, अब मैं थर्ड ईयर अब मैं प्रॉफिटेबल बन गया हूँ पूरा, कि मैं अब जो जो ट्रेड्स देता हूँ मोस्टली प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, और नहीं होते तो मैं लॉसेस को कट शॉर्ट कर देता हूँ। मैं शेयर भी करता हूँ अपने साथ रोज का मैं जो भी ट्रेड्स देता हूँ मैं शेयर कर देता हूँ उसको अपने इंस्टाग्राम पे। मैं कुछ भी नहीं छुपाता कि ओ मेरा ये ट्रेड गलत गया, मैं अपनी गलतियां भी शेयर करता हूँ, अभी भी गलतियां करता हूँ। ऐसा नहीं है कि पूरा मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, सब कुछ कमा रहा हूँ, मेरे को बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा नहीं है गाइस। उसके लिए मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस ही होगा, तब जाके मैं ये कर पाऊंगा, ठीक है। तो आप भी जानिए कि पहले साल आपको नहीं आ रहा है तो नहीं, अपन को नहीं डरना है, ठीक है। फर्स्ट साल नहीं आया, सेकंड साल नहीं आया, थर्ड साल आना चाहिए आपके पास, प्रॉफिट आना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिटेबल रहना चाहिए, आपका PNL होता है ना वो प्रॉफिटेबल रहना चाहिए। आप कुछ भी करो, ऑप्शंस करो, स्विंग करो, आप स्कैल्पिंग करो, आप इन्वेस्टिंग करो, जो भी करो, थर्ड ईयर प्रॉफिटेबल बनो, ये मेन चीज है, ठीक है। आप थर्ड ईयर भी प्रॉफिटेबल नहीं बन रहे हो तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको ऐसा ही मिलने वाला है कुछ भी, क्योंकि आप थर्ड ईयर में प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हो ना तो आप फोकस ही नहीं कर रहे हो स्किल पे, वो स्किल को समझना ही नहीं चाहते हो आप, वही चीज है। अब कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जाए कि मार्केट्स में, तब जाके आप प्रॉफिटेबल नहीं हो तो समझ में आता है। बट अगर सब मार्केट की कंडीशंस नॉर्मल है, अच्छे से चल रही है, ऊपर नीचे रोज हो रही है, तो फिर तो आपको प्रॉफिटेबल थर्ड ईयर से होना ही है, ये तो समझ लीजिए आप। एक ट्रेडिंग सेटअप बनाइए, उसको सामने से चिपका दीजिए, ठीक है। मैं मेरा इंस्टाग्राम स्टोरी देखिएगा, मैं उसको शेयर कर दूंगा, और वो वैसा आप कीजिए स्टिकी नोट से, मेरे जस्ट पीछे दीवार पे लगा हुआ है, तो वैसे ही आप करेंगे तब जाके आपको रोज दिमाग में आएगा, ओके मेरे को ऐसे करना है, मेरे को ऐसे करना है, मेरे को ऐसे करना है, नहीं मेरे को नहीं लेने लॉसेस बहुत बड़े, मेरे को प्रॉफिट्स को लॉन्ग होल्ड करना है, मेरे को पता है अगर ट्रेड पोजिशन और लंबी जा सकती है तो मैं वेट कर सकता हूँ, करो 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 वेट करो, ठीक है। साइकोलॉजी कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे आप ट्रेड्स लेके, ठीक है, इसका कोई अलग तरीका नहीं है कि आप कहीं से स्ट्रॉन्ग करके आ जाओगे फिर आप ट्रेड्स लोगे, ट्रेड्स लेके आप साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, सिंपल सी बात। कैसे कर पाओगे आप साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग, ट्रेड्स लेके, ट्रेड लोगे लॉस खाओगे, स्ट्रॉन्ग हुई साइकोलॉजी, बट उसका मीनिंग जानने कि आपने क्यों लॉस खाया, वो पोजीशन क्यों गलत गई, हमेशा मीनिंग जानोगे साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होगी, नहीं जानोगे साइकोलॉजी वीक ही रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं आने वाला है ऐसे। तो आप ये कोई जादू नहीं है बड़ा सा कि आप कुछ भी करके आ जाएगा प्रॉफिट, नहीं है ऐसा गाइस। वेट फॉर द थिंग, आप वेट कीजिए, जानिए क्यों लॉस खा रहे हो आप, हर एक ट्रेड का लॉस का मतलब पता रहना चाहिए, क्यों खाया आपने वो लॉस, तब जाके आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी। मेडिटेट कीजिए, एक्सटर्नल चीजें भी कीजिए आप, ठीक है, मेडिटेट कीजिए। मैं तो अगर कोई फुल टाइम बस ट्रेडिंग पे दे रहे हैं ना तो आई वुड सजेस्ट कि आप फिजिकल एक्टिविटी भी कीजिए, दूसरी जिम विम जाइए आप, क्यों जिम जाइए, जिम जाने से क्या होगा, जिम जाने से आप हार्डवर्क का मतलब सीखेंगे, आप दिन में ज्यादा हार्डवर्क करेंगे, दिन में ज्यादा काम करेंगे तो आप तभी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। बस बोलेंगे मैं ट्रेडिंग करूंगा, बैठे रहूंगा, मजे मारूंगा, बस और कुछ नहीं करना है मेरे को, नहीं गाइज, आपको फिजिकल भी वो होना है स्ट्रांग, कि फिजिकली आप स्ट्रांग रहें और मेंटली भी आप स्ट्रांग होते रहे, साथ साथ में करना है। मेडिटेशन यस, जिम यस, जिम की जगह वॉकिंग यस, कुछ भी कर सकता है, मॉर्निंग वॉक पे जाइए, तो सभी जन कर सकते हैं, कोई भी एक जैसा जन नहीं है जो मॉर्निंग वॉक पे ना जा सके, ठीक है। ये मैं उनको मत बताइएगा कोई कि मेरे पास टाइम नहीं होता है एंड ऑल, किसी का कुछ काम चालू नहीं होता है सुबह सुबह, ठीक है, मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, रोज का 6 बजे का अलार्म लगाओ, 6 बजे उठो, सब काम निपट जाएगा आपका, मैं लिख के दे रहा हूं, मैं खुद सुबह 6:30 बजे रोज उठता हूं, रोज मैं काम करता हूं, सब निपटाता हूं, अपना एनालिसिस तक पोस्ट हो जाता है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, सब मैं निपटा देता हूं, उसके बाद मार्केट चालू होती है 9 बजे, मेरे पास बहुत अच्छा खासा टाइम रहता है, मैं अच्छे खासे टाइम पे तैयार होता हूं। सबसे पहले तो आपको साइकोलॉजी ट्रेन करनी है, जल्दी उठो सुबह, जल्दी सोने की आदत डालो, मेडिटेट करो दिन में, यही सब एक दो और चीजें करो जिससे आपका माइंड स्ट्रांग हो, बस वही चीजों से आप साइकोलॉजी स्ट्रांग कर सकते हो, अदरवाइज नो तरीका, आप छोड़ दीजिए, मार्केट आपके लिए नहीं बनाया, समझ जाइए एंड बाहर निकल जाइए मार्केट से, मैं एकदम क्लियर कट बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो निकल भी चुके हैं पहले मार्केट में से, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ठीक है कि मार्केट सबके लिए बना है, कुछ कुछ लोगों के लिए नहीं बना है, मत कीजिए ट्रेडिंग भाई, ऐसे ही थोड़ी हलवा थोड़ी है मार्केट, टाइम देना पड़ता है यार भाई, समझो यार, टाइम दे के ही होगा काम, ऐसे ही नहीं निपटता काम, वही है। तो आप समझ गए मैंने क्या क्या बोला अभी, मैंने बोला ट्रेडिंग सेटअप बनाइए अपना, साइकोलॉजी स्ट्रांग कीजिए, ये दो चीज मास्टर की, ट्रेडिंग आपकी मास्टर हो चुकी है, और नॉलेज जरूर गेन करती रहिए, बुक्स पढ़िए, बुक्स मैं रील डालने वाला हूँ जल्दी कि मैं कौन सी बुक्स पढ़ता हूँ उसके बारे में, आप वो बुक्स खरीदिए, कुछ खर्चा नहीं है उसमें, 300-400 रुपए की बुक्स आती है, एक बार बाहर खाने में उड़ा दोगे यार, मत जाओ खाने एक दिन, और ये ले लो उससे अच्छा बुक्स,
ठीक है, ये सब लोगे और यही सब कर करके आप कर पाओगे प्रॉफिटेबली ट्रेडिंग, तो नहीं कर पाओगे। नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट की इन एवरीथिंग। आप सोचेंगे कि मैं बहुत एजुकेटेड हूं, मैं टॉपर हूं अपना क्लास का, तो मैं ट्रेडिंग कर सकता हूं। बकवास कर रहे हो आप, कुछ नहीं कर रहे हो। सिंपल बात है, आप अगर फेलियर भी हो अपने क्लास में एजुकेशन में तो कोई बड़ी बात नहीं, आप ट्रेडर बन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस नॉलेज गेन करना आना चाहिए, किधर से नॉलेज गेन करनी है, कैसे नॉलेज ग्रास्प करनी है, ये सब आप सीखेंगे अपने हिसाब से, तभी आप कर पाएंगे प्रॉफिटेबली ट्रेडिंग। तो मैंने दो चीज बताई, इन दोनों चीजों का अगर आप फॉलो करते हो ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, 3 साल वेट करिए, आप तीसरे साल प्रॉफिटेबल हो ही जाओगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ या फिर ऐसी फ्रेंड्स के साथ कि जो करना चाहते हैं कुछ अपनी जिंदगी में, उनको दीजिए ये रील और उनको बताइए कैसे अवॉइड कर सकते हो लॉसेस। तीसरे साल प्रॉफिटेबल होना ही है, आप समझ के रखिए, मैं भी बता रहा हूं, तीसरे साल प्रॉफिटेबल होना है। मैं अपना इस साल का आफ्टर जब फाइनेंशियल खत्म होगा, मैं मेरा वेरीफाइड प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करूंगा गाइस, और मैं बताऊंगा मेरा तीसरा साल है तो मैं प्रॉफिटेबल हूं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, सेफ इन्वेस्टिंग और बनाते रहिए पैसा।